हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिक कंसेप्ट यानी कि मूलभूत सिद्धांत समांतर श्रेणियां, जो चैप्टर हम लोगों ने लिया है कक्षा 10 गणित के लिए। ये हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इसी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। इसमें हम हर एक कंसेप्ट को काफी आसान तरीके से समझाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, एंड तक बने रहिए जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट समांतर श्रेणी के। सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझना होगा। देखिए, श्रेणी कितनी भी तरह से हो सकती है, लेकिन उस श्रेणी में अगर हम लोग समान अंतर बता सके, मान लीजिए हम एक पहला पद लेते हैं 2 और उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। इस तरह से हम लोग एक श्रेणी लें जिसमें हम ये अगला पद भी बता सकते हैं, और इनमें अगर हम लोग अंतर देखेंगे 2 और 6 में जो अंतर है वो 4 का है, 6 और 10 में 4 का, 10 14 में 4 का, इनमें भी 4 का, और हर एक टर्म में जो ये अंतर आता है वो बराबर आता है। तो अंतर इन दोनों में सभी टर्म में सेम है, लगातार दो टर्म में सेम है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अगर हमारे पास समान अंतर इनमें आता है तभी ये समांतर श्रेणी होगी, और हम इसमें जो अगला पद होगा उसको भी काफी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें भी ये 4 है, वो हम जोड़ेंगे तो 22, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 26, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हम ये 30। इस तरह से हम लोग इस श्रेणी को समझा सकते हैं। तो इस श्रेणी के लिए लगातार दो पद में जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी होगी। अब इसी तरह से इनमें जो अंतर है वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, और वो अंतर जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए अगर हम लोग 10 से शुरू करें और एक एक इसमें से कम करते जाएं, तो 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह से जो एक श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों में जो अंतर है वो माइनस एक का है, इन दोनों में अंतर भी माइनस एक का, इन दोनों में अंतर भी माइनस एक का। हर बार जो है लगातार दो पद में जो अंतर है वो बराबर है, इसलिए एक समांतर श्रेणी है। अगर इनमें अंतर जीरो रहता है, मान लीजिए हम इन पद को लेते हैं हर एक को 3, तो ये भी अपने आप में एक समांतर श्रेणी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनमें जो अंतर है वो जीरो है। तो हमने इसके लिए क्या बताया था कि जो अंतर है वो समान होना चाहिए, और इस श्रेणी में जो अंतर है वो समान है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, वो अपने आप में एक समांतर श्रेणी होगी। अब इसका नया टॉपिक लेंगे, समांतर श्रेणी का n-वां पद। मान लीजिए हम एक समांतर श्रेणी लेते हैं 2, 4, 6, 8, तो इस तरह से हम लोग हर एक टर्म में, हर एक पद में दो दो नंबर जो है वो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बनेगी, इसमें हम अगले पद को भी बता सकते हैं जो इसमें 2 है वो इसमें जोड़ देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो ये जहां से स्टार्टिंग होती है उसे हम कहते हैं प्रथम पद, और इसे हम ए या ए वन से बताते हैं। तो ये हमारे पास हो गया द्वितीय पद ए टू, ये तृतीय पद ए थ्री, ये चतुर्थ पद ए चार। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, नेक्स्ट जो होगा वो ए पांच होगा। इस तरह से हमारे पास जो ये समांतर श्रेणी बनती है वो ए वन ए टू इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उतने नंबर का पद है। जैसे ये तीसरे नंबर का पद है, ये चौथे नंबर का पद है, तो एक श्रेणी में कौन सी जगह पे वो है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे इनमें जो अंतर होता है, जैसे हमने 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आता है, यहाँ पे 6 में से 4 को हमने माइनस किया तो 2 आता है, 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आता है। अगर ये 2 सभी में सेम है तो ये अपने आप में एक समांतर श्रेणी है। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आया करता है कि आप चेक करके बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आपके इसमें जो भी पद है उनमें लगातार पद का जो अंतर है वो बराबर है तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी है, और जो इस तरह से ये अंतर समान है इसको डी बोला जाता है। डी हमारे पास है सार्व अंतर। अब यहां पे देखिए 4 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि ए टू में से ए वन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, घटा दिया,
6-4 का मतलब क्या हुआ, A3 में से हमने A2 को घटाया। इसी तरह से लगातार जो पद हैं उसमें से हम कम कर देंगे, उसको हटा देंगे, घटा देंगे, तो वो हमारे पास D बन जाएगा। तो इस श्रेणी में आपको प्रथम पद समझ में आया, A, या उसे हम A1 भी कहते हैं, सार्व अंतर D। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी AP को, किसी भी समांतर श्रेणी को शुरुआत में अगर हम प्रथम पद A लिखेंगे तो उसमें हमने D प्लस करना है, तो जो द्वितीय पद होगा वो A+D बनेगा। तृतीय पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से हम D ऐड करेंगे, D जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा A+2D। इसमें फिर एक D जोड़ेंगे क्योंकि बार बार D जोड़ने से ही नया पद आएगा, तो ये बन जाएगा A+3D, A+4D, इस तरह से चलता रहेगा। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास है A1, ये पद है A2, ये हमारे पास है A3, ये है A4, ये है A5। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि यहाँ पे देखिए A1 में जो है वो D नहीं है, A2 में D की स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे D के साथ 1 है, यहाँ पे A के साथ 3 है तो D के साथ 2 है, यहाँ पे A के साथ 4 है तो D के साथ 3 है, यहाँ पे A के साथ 5 है तो D के साथ 4 है। इस तरह से हम लोग देखें तो हम A2 को A+D लिख सकते हैं, A3 को A+2D, A4 को लिखेंगे A+3D। तो यहाँ पे देखिए जो भी नंबर होगा उससे एक कम यहाँ पे हम D लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमें A10 को लिखना होगा तो हम लिखेंगे A+9D, A15 को लिखना होगा A+14D, A20 को लिखना होगा, 20वां पद क्या होगा तो A+19D। इसी तरह से अगर हम एक सामान्य पद लें, n-वां टर्म लें, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस 20 को मैं x मान लूं या n मान लूं तो ये n बन जाएगा, तो a प्लस, तो ये 19 क्या हो गया, वो n से एक कम हो गया d। तो ये हमारे पास बन गया सामान्य टर्म या n-वां पद किसी भी समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें और आई, एक हमारे पास n आया और एक an आया। तो इस तरह से टोटल हमारे पास a है जो कि प्रथम पद है, d है जो हमारे पास सार्व अंतर है, n है जो हमारे पास पद है कि कौन से पद की हम बात कर रहे हैं, 5वां 6वां 7वां, और an है n-वें पद का मान कि क्या होगा। तो याद रखिए जो समांतर श्रेणी है उसमें हम अगर काउंट करें तो वो n होगा और उस पे जो लिखा हुआ आएगा वो an होगा। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, यहाँ पे इसी AP की बात करते हैं, तो ये 2, 4, 6, 8, अगर हम 8 की बात करें तो ये उसमें आया हुआ पद है और पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें n का मान 4 है और ये जो 8 है वो A4 है। तो जो समांतर श्रेणी में लिखा हुआ आता है वो A4 होगा और n का मतलब है कि हम कौन से पद की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आसानी से पता लगा सकते हैं समांतर श्रेणी का n-वां पद। अब जो हम टॉपिक लेंगे वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। मान लीजिए हमने कोई भी समांतर श्रेणी को जो सामान्य रूप से हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरह से इसमें जो n-वां पद होगा उसे हम an लिखेंगे, और यहाँ पे हमने शुरू के ही n पदों का योग करना है, तो इसको हम लिखते हैं SN, और इसको हम लोग लिखेंगे A1 प्रथम पद, A2, A3, A4, इन सभी को हम प्लस करके लिखेंगे। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, तो देखिए SN की जो वैल्यू आती है, फॉर्मूला आता है, उसे हम लिखेंगे n/2। अब यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, और जो आपने सामान्य टर्म nth टर्म का फॉर्मूला निकाला था वो क्या है, A+N-1 गुणा में D। तो ये हमारे पास हो गया प्रथम n पदों का योग। तो इसे हम दूसरे फॉर्मूले में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2A जो है उसको हम लिख सकते हैं A+A+N-1 गुणा D, n/2 A। अब यहाँ पे देखिए A+N-1 गुणा D, इसको हम AN लिख सकते हैं, तो हमारे पास SN का एक और सूत्र आ गया, n/2 A+AN।
और an को हम लोग l भी लिख दिया करते हैं, लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो प्रथम n पदों का जो योग है वो हम इन तीन तरह से बता सकते हैं, n बटा दो, दो ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, एस एन जो है वो n बटा दो ए प्लस ए एन, या अगले में हम ए एन की जगह l भी लिख सकते हैं जो कि अंतिम पद होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमें a और d पता है, n पता है, तो हम ये पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर हमें d नहीं पता है और डायरेक्टली हमें a n या लास्ट पद जो है, अंतिम पद है, वो हमें पता है, तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो शुरू में n है वो हमें पता होना चाहिए, तो हमें कितने पदों का योग करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें गिवन नहीं है, हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें सबसे पहले n निकालना होगा, उसके बाद हमें Sn का सूत्र लगाना होगा। अब हम जो टॉपिक लेंगे वो है समांतर श्रेणी का पता लगाइए यदि an दिया हुआ हो या फिर Sn दिया हुआ हो। अगर हमें an या कभी कभी जिसको हम tn भी बोल दिया करते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद अगर हमें दिया हुआ है, मान लीजिए हमें ये n प्लस टू दिया हुआ है, और इसी तरह से Sn भी हमें कोई ना कोई एक टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए n स्क्वायर प्लस सेवन दिया हुआ है, तो आपको AP बतानी है, समांतर श्रेणी बतानी है, तो क्या करेंगे, तो आप n की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखना शुरू करेंगे, तो आपके पास आएगा a1, 1 प्लस 2, 3, a2, 2 प्लस 2, 4, a3, 3 प्लस 2, 5, इस तरह से आपके पास, देखिए a1, a2, a3 ये सारे आएंगे, तो ये अपने आप में ही जो बनेगा वो एक समांतर श्रेणी बनेगी। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास Sn दिया हुआ है तो आपको AP बतानी है, समांतर श्रेणी बतानी है, तब आप क्या करेंगे, n की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह से बारी बारी से रखेंगे, तो आपके पास आएगा एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर। याद रखिए ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है, ये उनके प्रथम एक पद का, प्रथम दो पद का, प्रथम तीन और प्रथम चार पद का योग है, तो वो तो हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें देखिए जो एस वन है उसको हम ए वन भी लिख सकते हैं, तो जो भी इसमें एस वन होगा वो प्रथम पद हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे एस टू में से एस वन को हम हटा देते हैं तो ये हमारे पास द्वितीय पद आ जाता है। किस तरह से, देखिए अगर हम a1 प्लस a2 को s2 लिखते हैं और a1 को हम लोगों ने s1 लिखा है, तो s1 को अगर मैं दाहिनी तरफ ले जाऊं तो a2 का मान हो जाएगा s2 माइनस s1। इसी तरह से अगर हम s3 में से s2 को घटा देंगे तो हमारे पास a3 आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास ये a1, a2, a3 बनेगा, ये हमारे पास एक AP या समांतर श्रेणी बनेगी। तो यहाँ पे अगर हमें ए वन गिवन, ए एन गिवन है या टी एन जिसे बोलते हैं वो भी दिया हुआ है, तो हम उसमें डायरेक्टली एन की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास एक समांतर श्रेणी आएगी। लेकिन अगर हमें एस एन दिया हुआ है, प्रथम एन पदों का योग दिया हुआ है, तो उसमें हमें एन की जगह 1, 2, 3, 4 रखने पर समांतर श्रेणी नहीं आएगी, वो एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर की वैल्यू आएगी, और उससे हमें a1, a2, a3, a4 निकालने के लिए s1 को a1 के बराबर लिखना होगा, a2 को लिखेंगे s2 माइनस s1, a3 को लिखेंगे s3 माइनस s2 इस तरह से। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर हमें a5 लिखना हो तो हम लिखेंगे s5 माइनस s4, a10 लिखना हो तो हम लिखेंगे s10 माइनस s9। तो हम एक सामान्य इसमें बना लेते हैं कि अगर हमें an चाहिए तो हम sn माइनस sn माइनस 1 इस तरह से भी एक सूत्र बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के पदों का चयन किस तरह से किया जाए। अगर हमें समांतर श्रेणी के पदों का चयन विषम संख्या में करना हो या सम संख्या में करना हो, तो अगर विषम संख्या में करना हो, मान लीजिए हमें तीन लगातार पद चाहिए हो, तो हम लेंगे a, a प्लस डी उसके दाई तरफ और a माइनस डी बाई तरफ, इस तरह से तीन पद होंगे और इस तरह से लिए जाएंगे कि इन तीनों को अगर हम लोग सम कर दें, जोड़ दें, तो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा और तीन ए हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर पांच लिए जाएंगे तो ये तीन पद तो इसमें बने ही रहेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो सर्वांतर है वो डी है, तो
तो इसका अगला पद होगा a प्लस टू डी और इससे पहले वाला जो होगा a माइनस टू डी। अगर हम बात करें सम संख्या में अगर हमें पद लेने हो तो यहाँ पे देखिए, तो सम संख्या में चार पद अगर लिए जाएं तो a माइनस डी ए प्लस डी। यहाँ पे देखिए सार्वंतर जो है वो 2d हो गया, तो इसके बाद इसका जो अगला पद आएगा a प्लस थ्री डी और इससे पहले वाला जो होगा वो a माइनस थ्री डी। और अगर हमें छह पद लेने हो तो ये चार पद तो होंगे हमारे पास a माइनस तीन डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस तीन डी और इसके बाद जो होगा वो a प्लस पांच डी और इससे पहले वाला जो होगा वो a माइनस पांच डी। इस तरह से हम लोग लेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो माइनस डी जो है वो प्लस थ्री डी के साथ कट जाएगा, सॉरी माइनस तीन डी जो है वो प्लस तीन डी के साथ कट जाएगा और माइनस डी जो है वो प्लस डी के साथ कट जाएगा। तो इन सभी में ए का जो होगा वो चार गुना हो जाएगा, चार ए की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो डी है वो खत्म हो जाएगा और ये छह बार ए हमारे पास बन जाएगा। अब मान लीजिए हमें कोई एक समांतर श्रेणी दी हुई है तो उस समांतर श्रेणी में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है और हम प्रत्येक पद में कोई एक फिक्स नंबर जो है वो हम जोड़ दें तो वो भी अपने आप में एपी ही रहेगी, वो समांतर श्रेणी ही रहेगी। समांतर श्रेणी बदल जाएगी लेकिन रहेगी वो समांतर श्रेणी ही। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है दो चार छ आठ दस और इसमें हर एक पद में हम एक नंबर जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा तीन, एक नंबर जोड़ने के बाद ये बन जाएगा पांच, ये बन जाएगा सात, ये बन जाएगा नौ, ये बन जाएगा ग्यारह। समांतर श्रेणी तो चेंज हो गई लेकिन रहेगी वो समांतर श्रेणी ही। तो अगर ये पहले हमारे पास एक समांतर श्रेणी है और इसमें हम हर एक पद को एक फिक्स नंबर से जोड़ दिया जाता है तब भी वो समांतर श्रेणी ही रहेगी। इसी तरह से प्रत्येक पद में अगर हम एक फिक्स नंबर, याद रखिये यहाँ पे हमेशा एक फिक्स नंबर लिया जाएगा, तो वो अगर हम लोग घटा दें तब भी वो समांतर श्रेणी ही होगी। और अगर हम हर एक पद को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी है इसमें हम हर एक पद को दो से गुणा कर दें तब भी वो समांतर श्रेणी ही रहेगी। देख सकते हैं आप, इसको अगर हम दो से गुणा करेंगे ये बन गया चार, इसे करेंगे तो ये बन गया हमारे पास आठ, इसे करेंगे ये बन गया बारह, इसे करेंगे ये बन गया सोलह, दस को करेंगे तो बीस। तो यहाँ पे देखिये ये समांतर श्रेणी ही है लेकिन इसमें श्रेणी का जो रूप बदल गया है और इसमें जो सार्वंतर है वो बदल गया है। इसी तरह से हर एक पद को अगर एक फिक्स नंबर से डिवाइड कर दिया जाए लेकिन वो जीरो ना हो तो भी अपने आप में वो समांतर श्रेणी ही रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समांतर माध्य, जिसे अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है ए और बी और इन दोनों नंबर के बीच में हम एक नंबर इस तरह से लगाएं, रखें या लें कि जिससे ये तीनों नंबर जो है वो एक समांतर श्रेणी में बन जाएं, तो ये जो बीच वाला नंबर लिया जाएगा वही अपने आप में समांतर माध्य होगा। अब इसको किस तरह से हमें निकालना है तो देखिए, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब प्रथम दो पदों में जो अंतर होगा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए जो है वही अंतर तृतीय पद और द्वितीय पद में होगा। अब इस माइनस ए को हम लोग बाई तरफ ले आते हैं और माइनस ए को दाई तरफ लेंगे तो ये बन जाएगा दो ए बराबर ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं जो समांतर माध्य ए है वो ए प्लस बी बटा दो। तो इस तरह से हम लोग समांतर माध्य निकाल सकते हैं। जो भी हमें दो नंबर दिए हुए हैं आप उन दोनों को प्लस करके दो से भाग दे दीजिए तो वो बन जाएगा समांतर माध्य। अब जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, देखिए समांतर श्रेणी के अंतिम पद से एनवा पद। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक समांतर श्रेणी हमारे पास है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर से ए एन तक, इसमें हम लोगों ने शुरू से समांतर श्रेणी को काउंट किया और हमने बताया कि शुरू के हिसाब से एनवा पद कौन सा होगा जिसको टी एन या ए एन भी कहा, और हमने बताया कि उसका मान ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होगा। जिस तरह से हमने बताया कि a पांच का मतलब a प्लस चार डी होगा, a दस जो होगा वो a प्लस नौ डी होगा। लेकिन यहाँ पे हमें इस समांतर श्रेणी को शुरू से नहीं लेना है, हमें एंड से लेना है, अंतिम पद से लेना है। तो आप इसी श्रेणी में ही आप देखिए, अगर हम शुरू से यूं चलते हैं तो प्रथम पद a हो गया, लेकिन अगर हम एंड से चलेंगे तो प्रथम पद an हो गया, जिसको हम कभी कभी एल भी लिख लिया करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसी में बदल देंगे ए एन एल प्लस एन माइनस वन। अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसमें डी जो है वो जोड़ते हुए गए, जो सार अंतर है वो डी है, लेकिन अगर हम पीछे से आएंगे एनवे पद के लिए अंतिम पद से, तो ये जो डी है अगर इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में है तो वापस से चलेंगे तो वो घटते हुए क्रम में होगा, तो डी जो है वो माइनस हो जाएगा। तो आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू एल प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। शुरू में और एंड में क्या फर्क है, एक तो प्रथम पद का फर्क होगा और दूसरा अगर स्टार्टिंग से हम लोग डी लेते हैं तो अंतिम पद से लेते हुए हमें माइनस डी लेना होगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमें अंतिम पद से एनवा पद पता लगाना हो तो किस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो ये थे कुछ मेन कंसेप्ट जो काफी इम्पोर्टेंट है समांतर श्रेणी के लिए। चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट है हर एक बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आरबीएसई हो, किसी भी तरह का स्टेट बोर्ड हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।